कुरुक्षेत्र CIA 2 पुलिस टीम ने दिसंबर 2020 की रात्रि में सलारपुर रोड पर स्थित अंग्रेजी शराब ठेके पर कार्यरत कर्मियों पर हमला कर हत्या के प्रयास के मामले में तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयोग की गई रिवाल्वर व जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस घटनाक्रम में खुलासा करने के गांव मोहड़ी जगीर जिला करनाल निवासी मुकेश ने पुलिस में दिसंबर 2020 में शिकायत की थी कि वह सलारपुर रोड पर अंग्रेजी शराब ठेके पर पिछले काफी समय से कार्यरत है। रात्रि में एक कार में सवार कुछ युवक आए थे, उनके ठेके के नजदीक अहाते के कर्मी मेहर के साथ मारपीट कर बुरी तरह से उसे घायल कर दिया था। हमलावरों ने उन पर गोली चलाकर हत्या करने का प्रयास भी किया। इस हादसे में वे बाल बाल बचे थे। इस मामले में कृष्णागिरी थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस कप्तान ने इस मामले की जांच CIA 2 पुलिस टीम को सौंपी थी। प्रभारी मलकीत सिंह ने इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्त में लेने के लिए सब इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह कमांडो, ASI सुधीर सिंह, हेड कांस्टेबल लखन सिंह, ललित कुमार, चालक बलिंदर की टीम का गठन किया था। ये टीम बीते काफी समय से छापामारी कर रही थी। पुलिस टीम ने पहले दो आरोपियों शीशपाल व कंवरपाल को गिरफ्तार किया था। वारदात के समय हत्या के प्रयास में गोली चलाने वाले तीसरे आरोपी को गिरफ्त में लेने के लिए पुलिस प्रयासरत थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम को पुख्ता जानकारी मिली कि शराब ठेके पर हुई वारदात में शामिल तीसरा आरोपी झांसा रोड पर जिंदल पार्क के समीप मौजूद है। मामले की भनक लगते ही योजना को अमलीजामा पहनाते हुए घटनास्थल की घेराबंदी कर तीसरे आरोपी को काबू कर लिया। गिरफ्त में आने पर आरोपी ने अपना नाम प्रदीप पुत्र बाबूराम निवासी आलमपुर कुरुक्षेत्र बताया। इस आरोपी ने खुलासा किया कि वह पहले कई मामलों में जेल जा चुका है, जमानत पर बाहर आया हुआ था, सलारपुर रोड पर शराब के ठेके पर हुई वारदात में शामिल था। उसी ने देसी कट्टे से मारने के इरादे से गोली चलाई थी। वारदात उपरांत मौके पर मौजूद साथियों सहित कार लेकर फरार हो गए थे। उसके दो साथी पुलिस ने पकड़ लिए थे। पकड़े जाने के डर से वह रास्ता बदल बदल कर छुप रहा था। CIA 2 की पुलिस टीम ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयोग देसी रिवॉल्वर व एक जिंदा कारतूस को भी बरामद कर लिया है। पूर्व में पकड़े आरोपियों से कार को बरामद किया था। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जिसे न्यायाधीश ने आगामी आदेश तक जिला जेल भेज दिया है। क्या कहते हैं जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह? 2020 में सलारपुर रोड पर ठेके पर गोली चली थी, जिसमें SP साहब क्षेत्र के आदेश अनुसार इंस्पेक्टर मलकीत सिंह ने एक टीम गठित की थी। उसमें हमने पहले दो अपराधी गिरफ्तार कर लिए और आज तीसरे अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया है और अभी तफ्तीश जारी है और आगे आइंदा जैसी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। खबरनामा हरियाणा के लिए राजेश भारद्वाज की रिपोर्ट।